Assalamu alaikum everyone. How are you? I hope so all of you will be fine. My dear students, this is our lecture number 2. We will move forward in our class. This is our English workbook. So open your book at page number 4. हमने पहले किया है पेज नंबर 3 तक वर्क. अब हम फर्दर आगे काम करेंगे. इस पेज पे लिखा हुआ क्या है? रीड, ट्रेस एंड कलर. डेट मेंशन करेंगे. बना हुआ क्या है? ये ओ. ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर ऑस्ट्रिच. आई रिपीट, ओ फॉर ऑक्टोपस, ओ फॉर ऑक्स, ओ फॉर ऑस्ट्रिच. आप इसको ट्रेस करेंगे, रीड बोल बोल के ट्रेस करेंगे. नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 5. मैट, ट्रेस एंड कलर द ओ थिंग्स. डेट मेंशन करेंगे, ओ को ट्रेस करेंगे. अब हम देखेंगे कहाँ पर हमारे पास ओ से चीज आती है. ऑक्स, ऑक्स ओ से आता है, आता है. मैच कर देंगे हम ओ से ऑक्स को. ऑरेंज, ऑरेंज ओ से आता है, डेफिनेटली हम उसको मैच कर देंगे. डॉग, डॉग ओ से आता है, नहीं तो मैच नहीं करेंगे. ऑक्टोपस, ऑक्टोपस ओ से आता है, यस हम भी ओ से मैच कर देंगे. देन पेज नंबर 6, ट्रेस एंड राइट. डेट मेंशन करेंगे, ओ ओ फॉर ऑरेंज. ओ हमारा टू लाइंस में आता है, सेंटर की टू लाइंस में ओ होता है हमारा. ओ ओ फॉर ऑरेंज, ओ ओ फॉर ऑरेंज. बोल बोल के आप इसको लिखेंगे, पहले ट्रेस करेंगे उसके बाद लिखेंगे. देन हम अब दोबारा हम रोली पॉली अपनी याद करेंगे. हमारे इस मन में रोली पॉली ही है. किस तरह से याद करेंगे? रोली पॉली, रोली पॉली, अप अप अप, रोली पॉली, रोली पॉली, डाउन डाउन डाउन, रोली पॉली, रोली पॉली, आउट आउट आउट, रोली पॉली, रोली पॉली, इन इन इन, रोली पॉली, रोली पॉली, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, रोली पॉली, रोली पॉली, राइट राइट राइट, रोली पॉली, रोली पॉली, बैक इन द लैब. इस तरह से याद करेंगे इसको. अब हम होमवर्क पे आते हैं. होमवर्क आपने क्या करना है? आपने इंग्लिश की कॉपी है ये, इसमें आपने पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 4 करना है. ये है हमारी फोनिक्स की वर्ब बुक. एज यू नो, पेज नंबर 3, हम पहले पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 कर चुके हैं. पेज नंबर 3 पे हमने करना क्या है? रीड एंड मेक एडी वर्ड्स. रीड करना है और बनाने हैं एडी वर्ड्स. डेट मेंशन करेंगे, ब अ डी बेड, ड अ डी डेड, ह अ डी हेड, हम अ ड मैड, फ अ ड फैट, स अ ड सैड. इस तरह से आप रीड करेंगे इसको. पेज नंबर 4, रीड एंड ट्रेस एडी वर्ड्स. रीड करना है और ट्रेस करना है एडी वर्ड्स. डेट मेंशन करेंगे, ह अ ड बेड, हम अ ड मैड, द अ ड डेड, ह अ ड हेड, ह अ ड हेड, स अ ड सेड. इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे और इसको ट्रेस करेंगे. अच्छा अच्छा ट्रेस कीजिएगा. अब आएंगे अपनी फॉरेंस की कॉपी की तरफ. फॉरेंस की कॉपी में आपने कौन कौन से पेज नंबर करने हैं? पेज नंबर 4, 5 एंड 6. फॉरेंस की कॉपी इस तरह की होती है. इसमें आप कौन से पेज नंबर करेंगे? आई रिपीट, 4, 5 एंड 6. दिस इज अवर मैथ्स वर्ब बुक. पेज नंबर 5, ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे आज. रीड, सर्कल एंड कलर. डेट मेंशन करेंगे, बिग और स्मॉल का हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. माउस क्या है? स्मॉल. और ये हमारा डायनासोर क्या है? बिग. स्मॉल, बिग. माउस क्या है? स्मॉल. और डायनासोर क्या है? बिग. माउस क्या है? स्मॉल. डायनासोर क्या है? बिग. अब ऊपर लिखा है बिग. बिग कौन सा है? डायनासोर बिग है, माउस बिग है, डायनासोर बिग है. डायनासोर को सर्कल कर देंगे. नेक्स्ट, नीचे स्मॉल लिखा हुआ है, तो इसमें से स्मॉल कौन सा? डायनासोर स्मॉल है या माउस स्मॉल है? माउस स्मॉल है, माउस को सर्कल कर देंगे. पेज नंबर 6, रीड एंड कलर. रीड करना है और कलर करना है. टी सेट्स क्या है? ये टी सेट्स. और नीचे सोफा सेट्स. नीचे क्या है? सोफा सेट. इसको आप कलर करेंगे.
नेक्स्ट पेज नंबर 7 रीड मैच एंड कलर डेट मेंशन करेंगे. पहले रीड करेंगे टी सेट सोफा सेट सोफा सेट टी सेट. अब हम टी सेट और टी सेट से मैच कर देंगे सोफा सेट को सोफा सेट से मैच कर देंगे देन फिर कलर करेंगे. अब आते हैं पेज नंबर 8 की तरफ रीड एंड कलर डेट मेंशन करेंगे. सिलेंडर 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 की शेप है ये इसका सिलेंडर है. मग कैसा होता है सिलेंडर के जैसा. बैटरी किसके जैसी सिलेंडर के जैसा. शेप का नाम क्या है हमारी सिलेंडर CYLINDER सिलेंडर. अब हम आएंगे कॉपी वर्क की तरफ. अपने कॉपी वर्क में हमने कौन कौन से पेजेस करने हैं पेज नंबर 3, 4, 5 and 6. आई रिपीट कॉपी में कौन से पेज नंबर करने हैं 3, 4, 5 and 6. ये आपका होमवर्क है. ये हमारी है उर्दू की वर्क बुक. आप पेज नंबर 3 तक कर चुके हैं. अब हम आएंगे पेज नंबर 4. पेंसिल फेरिए और लिखिए. ये क्या बना हुआ है पे क्या बना हुआ है ये पे. पे से पंखा पे से प्याला पे से पतंग. वहाँ पढ़ेंगे पे पे से पंखा पे से प्याला पे से पतंग. इसको ट्रेस करेंगे फिर नीचे लिखेंगे. पेज पे आते हैं पे की चीज़ों से मिलाइए. पे की चीज़ों से आपको मैचिंग करनी है. ये पे है पे को आप पहले हाथ फेरेंगे फिर सबसे ऊपर देखिए क्या है पगड़ी. पगड़ी में पे है सबसे पहले पे से आती है पगड़ी आती है मैच कर देंगे. टोकरी टोकरी पे से आती है नहीं नहीं आती तो मैच नहीं करेंगे. फिर नीचे आते हैं हम पर पे से आता है मैच कर देंगे. फिर से नीचे आएंगे हम पेंसिल पेंसिल पे से आती है इससे मैच कर देंगे हम. अब आएंगे हम सफ़र नंबर 6 पर. इस पर हमने तारीख डालनी है फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे. दायरा लगाइए पेंसिल फेरिए और लिखिए. दायरा लगाना है पेंसिल फेरनी है और लिखना है. पे से जो चीज़ें आती हैं इस पर हम दायरा लगाएंगे. जैसे पाँव है पाँव पर दायरा लगा हुआ है क्योंकि वो पे से आता है. पतंग पतंग पे से आता है जी आता है सर्कल कर देंगे. चाँद चाँद पे से आता है नहीं सर्कल नहीं करेंगे. पेंसिल पेंसिल पे से आती है सर्कल कर देंगे इसको. टमाटर टमाटर पे से आता है नहीं सर्कल नहीं करेंगे. फिर हम नीचे ट्रेस करेंगे पे फिर लिखेंगे. ये हमारी है उर्दू की कॉपी. इसमें हम क्या करेंगे सफ़र नंबर 3 और 4 करेंगे होमवर्क है आपका. आई रिपीट सफ़र नंबर 3 और 4 करेंगे. यह हमारी उर्दू की नज़म है जो हमने याद की थी अभी पूरी याद नहीं हुई तो हम दोबारा पढ़ेंगे इसको. या रब हमको नेक बना दे नेकी के आदाब सिखा दे हमको ऐसा जज्बा दे दे जो सच की पहचान करा दे देकर हमको इनकी दौलत हम सबको इंसान बना दे. या रब हमको नेक बना दे नेकी के आदाब सिखा दे इस तरह से याद करेंगे इसको. अब हम आते हैं अपने मैजिक सीरीज की तरफ मेज मैजिक इंग्लिश सीरीज. इसमें क्या करना होता है आपने ये आपकी मैजिक सीरीज की बुक है उस पर आप ओपन करेंगे. आपके सी ख ख एस करवी इस पर आपने करना क्या है आपने जो बोर्ड मार्कर होता है थिन पतला वाला बोर्ड मार्कर जो रिमूवेबल होता है ड्राई एजर इंक वाला बोर्ड मार्कर वो आपने इसके ऊपर ट्रेसिंग करनी है. इसको ट्रेस करना है फिर रब करना है फिर ट्रेस करना है फिर रब करना है फिर ट्रेस करना है जैसे आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है. ख ख एस करवी ख क्लॉक ख कौन ख कैन इस तरह से आपने ये करना है. पेज नंबर 2 पे आएंगे ओ ओ इज राउंड एंड राउंड ओ राउंड एंड राउंड होता है. इससे भी आप बोर्ड मार्कर से इसको ट्रेस करेंगे फिर रब करेंगे फिर ट्रेस करेंगे फिर रब करेंगे इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. इस पर पेंसिल से काम नहीं करना है पेंसिल भी काम नहीं करना ओनली ड्राई इरेजर इंक वाला जो मार्कर होता है जो हम बोर्ड मार्कर कहते हैं वो यूज़ करेंगे क्योंकि वो रब भी हो जाता है. तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. ओ ऑस्ट्रिच ओ ऑलिव्स ओ ऑक्स ये है आपकी मैथ्स की बुक मैजिक सीरीज. इसका पेज नंबर 1 ओपन करेंगे. काउंट ट्रेस एंड राइट काउंट करेंगे 1 एलिफेंट. इसको भी आप उसी तरह से करेंगे बोर्ड मार्कर ड्राइजर इंक वाला मार्कर से आप उसको ट्रेस करेंगे लिखेंगे फिर अब करेंगे फिर ट्रेस करेंगे फिर लिखेंगे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे. 1 2
वन टू, टू केक्स है यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है टू, इसको भी ट्रेस करेंगे, देन रब करेंगे, फिर ट्रेस करेंगे, फिर रब करेंगे, फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे इस तरह से। ये आपकी है उर्दू की मैजिक सीरीज, उर्दू सिलसिला चमकते सितारे। इसका यह सफर पहला ओपन करेंगे, बे बे बिल्ली बे बाजा बे बत्तख, इसको भी आप ट्रेस करेंगे, इसको भी ट्रेस करेंगे, फिर रब करेंगे, फिर ट्रेस करेंगे, इस तरह से आप इसका भी प्रैक्टिस करेंगे बे की। सफ़र नंबर दो पे आएंगे, सफ़र नंबर दो पे क्या बना हुआ है, पे पे पत्ता पे पर पे पगड़ी, इसको आप इस तरह से फिर वही करेंगे, बोर्ड मार्कर से ट्रेस करेंगे, फिर रब करेंगे, फिर ट्रेस करेंगे, फिर रब करेंगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए अच्छी सी, आपको बहुत प्यार से पेना बनाना आ जाए। ये जो स्टूडेंट्स आप मैजिस्ट्री से वर्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड मार्कर से, ये आप सबमिट नहीं कराएंगे, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, इसी की चेकिंग नहीं होती है, आपको प्रैक्टिस करनी घर में, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी ताकि आप हर चीज़ अच्छी बना सकें। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाह।